गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पिक्सल क्लासेस। माय नेम इज अनुरगवंशी। सो मतलब गाइस आप लोगों ने बहुत सुना होगा एग्रीकल्चर क्या होता है, लेकिन आप एग्रीकल्चर के बारे में तो जानते हैं कि एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी होता है, उससे संबंधित होता है। फार्मर जो है मतलब किस तरीके से खेती करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन एपीकल्चर क्या होता है ये किसी ने नहीं सुना। सो गाइस आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि एपीकल्चर क्या होता है। सो गाइस मतलब जो एपीकल्चर होता है वो ज्यादातर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहता है। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में उसका प्रोडक्ट लगा हुआ आपको मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा उसका हर एक प्रोडक्ट, मतलब आपको हर एक प्लांट में, मतलब कहीं काफी प्लांट में आपको उसको लगा हुआ मिल जाएगा। सो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, ये एलमंड का पेड़ है, यहाँ भी आपको लगा हुआ मिल जाएगा, बट यहाँ अभी नहीं लगा, बट इतने लंबे लंबे पेड़ों में मतलब ये लगा हुआ मिल जाता है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये एलमंड का पेड़, बादाम का। सो गाइस मतलब आप में दिखा देते हैं, तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं हमारा टॉपिक है साइंस का और ये टॉपिक है बी कीपिंग के ऊपर। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, बी कीपिंग इज अन इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस। जो बी कीपिंग होती है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस एंड द प्रैक्टिस। उसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, कीपिंग रियरिंग एंड केयरिंग की, उसके लिए हमें बहुत जरूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हनी बीज को, मतलब उसके प्रोडक्ट को हमें तैयार करने के लिए, हमें ऑब्जर्व करने के लिए बहुत टाइम मतलब लगता है। और गाइस अभी हम देख सकते हैं बीज वैक्स एंड रॉयल जेली इज कॉल्ड एपीकल्चर। मैंने आपको बताया था कि एपीकल्चर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो एपीकल्चर मधुमक्खी के पालन को हम एपीकल्चर बोलते हैं गाइस। और एपिस यानी होता है बी, एपिस यानी होता है बी, और जो मतलब मधुमक्खी के जो मतलब जहाँ पर मतलब मधुमक्खी के छत्ते को हम निकालते हैं उस प्लेस को हम एपियरी बोलते हैं, उस प्लेस को हम एपियरी बोलते हैं। सो गाइज आपको पता है तीन टाइप्स की बीज होती हैं हमारे यहाँ। सबसे फर्स्ट आती है क्वीन बी, सेकेंड है ड्रोन बी एंड थर्ड है वर्कर बी। सो गाइज आपको पता है कि सबसे खतरनाक बी कौन सी होती है? नहीं पता होगा, काफी लोग को नहीं पता होगा। बहुत सी बीज मतलब है ना, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे वहां पे छत्ता लगा है वहां पर मत जाइएगा, वरना पत्थर मत मार देना, वरना आपको है ना नुकसान पहुंचा कर ही छोड़ेगी, आपको वो एनिमी मान लेगी। सो गाइज हम बताते हैं आपको, यहाँ देख सकते हैं आप, ये क्वीन बी होती है गाइस, देख सकते गाइस आप यहाँ देख सकते हैं, ये है क्वीन बी, ये सबसे बड़ी होती है गाइस, आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी आती है ड्रोन बी, आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, ये इस तरीके से दिखती है, बहुत मतलब तीनों टाइप की आपने देखी होगी, लेकिन सबसे खतरनाक वाली ये ड्रोन बी होती है। आप देख सकते हैं ये वर्कर बी होती है जो मधुमक्खी में से छत्ता निकालती है। सॉरी गाइस, ये जो वर्कर बी होती है ये मतलब है ना फ्लावर्स में से है ना ये पॉलन निकालती है। आप देख सकते हैं ये फ्लावर है, बहुत से फ्लावर्स लगे हुए हैं यहाँ से, इसमें से पराग निकालती है ये, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। वर्कर भी दे आर डिप्लॉयड स्टेराइल फीमेल्स, दे फंक्शन एज वर्कर कलेक्टिंग पोलन, नर्स द ब्रूड, ब्रूड यानी होता है उसके अंडे उसके बच्चे, एंड क्वीन एंड गार्ड एंड हाइव। ये जो होती है, ये जो बी होती है ये है ना मतलब क्वीन की गार्ड करती है, क्वीन को गार्ड करती है। और सर और सॉरी गाइज और है ना, हम आज इसके है ना मेन टॉपिक पे बात करेंगे, इसके टाइप्स हम आपको बताते हैं कि मतलब ये थ्री टाइप्स की होती हैं और भी बीज होती हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं इंडिजियस स्पेशियस, दे थ्री कॉमन इंडिजियस स्पेशियस आर यूज फॉर बी कीपिंग, दिस आर एपिस सेरेना इंडिका, ये इंडियन भी होती है गाइज, यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, एपिस डॉर्सेटा यूरोप भी होती है, और ये एपिस फ्लोरिया ये लिटिल भी होती है, ये स्मॉलेस्ट भी होती है। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। सेकंड टॉपिक है वो एग्जॉटिक स्पेशियस है जो इटालियन भी है, मतलब जो बहुत से लोग इसको कॉमनली जानते होंगे इटालियन भी क्या होती है, इसको इसका इटालियन भी का नाम होता है एपिस मेलिफेरा, इस इटालियन भी का नाम होता है एपिस मेलिफेरा। सो गाइज मतलब ये अपने छत्ते को लंबे समय तक टिकाकर रख सकती है, मतलब और इसमें है ना बहुत कैपेसिटी होती है हनी को अपने अंदर कलेक्ट करने की, मतलब जो हनी को कलेक्ट बहुत लंबे टाइम तक ये कलेक्ट कर सकती है, मतलब बहुत क्षमता होती है इसमें। और ये अपने एनिमी को है ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, जैसे कि इसको अगर लगा कि मतलब कोई भी सामने वाला व्यक्ति नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो उसे नहीं छोड़ेगी, उसके पीछे ही पड़ जाएगी, वो उसको मतलब है ना उसको नुकसान पहुंचाकर ही छोड़ेगी। ये है इटालियन बी, जिसको हम एपिस मेलिफेरा बोलते हैं, मैं एक और बार बता दूं। तो गाइज ये अपने मतलब नेचर को है ना, नेचर के प्रति बहुत जेंटली होती है ना, अपने नेचर को जो है वो मतलब नुकसान नहीं पहुंचाती है।
बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। सो गाइज अब हम है ना जो छत्ते का जो है वो हाइट दिखा देते हैं कैसा होता है। सो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर ए कॉलोनी ऑफ हनी बीज, ये उसकी कॉलोनीज ऐसी बनी रहती हैं। और गाइज हम ना यहाँ पे आपको दिखा देते हैं क्वीन बी, ड्रोन बी एंड वर्कर बी का जो काम होता है वो क्या करती हैं, वो कैसे रहती हैं, देख सकते हैं आप। देयर इज ओनली वन फंक्शनल क्वीन इज ईच हाइव, मतलब जो एक छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है, एक छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन बी होती है। और शी इज डिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल विच लेज एग्स एंड इज एसोसिएटेड विथ द इंक्रीज ऑफ कॉलोनी, इंक्रीज को मतलब जो एग्स होते हैं इनको कॉलोनी में बढ़ाते हैं। एंड शी इज द सुप्रीम बी इन द कॉलोनी, और ये जो बीज होती हैं ये अपनी कॉलोनी की सुप्रीम होती हैं गाइस। और ड्रोन बी के बारे में हम बात करते हैं। दे आर हैप्लॉइड मेल्स, दे आर स्मॉलर एंड स्टाउटर देन द क्वीन बी, द मेट विथ क्वीन बी एंड आर लेटर ऑन पुश्ड आउट ऑफ द कॉलोनी। मतलब ये जो ड्रोन्स बी होती है ये मेल्स होते हैं, हैप्लॉइड मेल्स होते हैं, और ये जो जैसे कि किसी भी बी को है ना टारगेट दिया जाता है कि आप है ना उस काम को पूरा करके आइए, अगर वो उस काम को पूरा करके नहीं आते हैं तो ड्रोन भी उनको है ना कॉलोनी से पुश कर देते हैं, उनको बाहर धकेल देते हैं, उन्हें फिर अंदर आने नहीं दिया जाता है, कॉलोनी में उनको वापस नहीं लेते हैं गाइस। अब ये हमने क्वीन बी के बारे में जान लिया, ड्रोन बी के बारे में जान लिया, और अब हम मतलब वर्कर बी के बारे में बात करेंगे। सो गाइज वर्कर, अब जानते हैं वर्कर बी का क्या काम होता है। सो गाइज अब देख लीजिए यहाँ पर, दे आर डिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल्स, दे फंक्शन अस वर्कर्स कलेक्टिंग पोलन, नर्स द ब्रूड एंड क्वीन एंड गार्ड द हाइव। मतलब ये जो पोलन होते हैं पोलन को कलेक्ट करते हैं, नर्स को कलेक्ट कर, नर्स और मतलब जो इसमें दिया हुआ है ब्रूड, इनके जो ब्रूड यानी होते हैं इनके बच्चे, तो इन सबको है ना मतलब क्वीन भी इन सबके मतलब गार्ड करती है, इन सब ये जो वर्कर भी होते हैं क्वीन भी को गार्ड करती है, इनके आजू बाजू रहती है, इनकी रक्षा करती है। सो गाइज अब हम ब्रूड चैम्बर के बारे में मतलब अब हम बात करेंगे हमारे वुडन चैम्बर के बारे में। सो गाइज अब देख सकते हैं यहाँ पर ये कैसा दिखता है, यहाँ पे मतलब वो हनी जो होता है यहाँ पर बनता है, देख सकते हैं यहाँ पर रखा जाता है हनी, ये टॉप कवर होता है उसका, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये टॉप कवर होता है, ये इनर कवर होता है, ये देख सकते हैं आप इसका, ये सुप्रीम चैम्बर होता है जहाँ पर जो हनी जो होता है वो स्टोरेज होता है, ठीक है, देख सकते हैं आप इस बॉक्स में। तो गाइज आप देख सकते हैं ये है सुपर चैम्बर स्टोरेज ऑफ हनी, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो मधुमक्खियां जो होती हैं इधर से अंदर बाहर जाती रहती हैं, यहीं से बस ओपन रहता है, सब तरीके से ये क्लोज होता है, बस ये एक ही जगह है जहाँ से ये ओपन रहता है। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं, और ये ब्रूड चैम्बर होता है, इसमें से भी मतलब मधुमक्खियां आने जाने का मतलब इसमें दिया हुआ है ताकि वो कहीं से भी ओपन नहीं रहता, यहीं से ओपन रहता है, आप देख सकते हैं आप दिया हुआ है। ये बॉटम बोर्ड होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये स्टैंड होता है इसका, ये स्टैंड होता है सबसे नीचे को। अब हम एपेरी देख, एपेरी इज द बी यार्ड वेयर बीज आर रियर्ड इन इंडिया, देयर आर अबाउट 98 करोड़। तो अपने इंडिया में 98 लाख बीहाइव्स इंडिया में तैयार किए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे बीहाइव की, बीहाइव इज अ वुडन बॉक्स रेज्ड ओवर अ स्टैंड, इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो बीहाइव जो है मतलब अपना छत्ता है जिसमें वुडन बॉक्स में हम तैयार करते हैं बीहाइव को हम वुडन बॉक्स में तैयार करते हैं। बीहाइव शुड बी कीप्ड इन ओपन वरेंडा ओन और इज गार्डन और फील्ड वेयर गुड पेस्चरेज इज अवेलेबल। हमारा ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है, एंड होता है। सो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये टॉपिक कैसा लगा, मतलब और अगर आपको किसी भी चीज के बारे में जानना हो, मैथ्स टॉपिक है, SST, साइंस, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।